Wound. Wound is discontinuity or break in surface epithelium. अगर सिर्फ स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो तो वुंड को सिंपल माना जाता है, जबकि अगर अंडरलाइंग टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो जैसे नर्व वेसल टेंडन तो उसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है. टाइप ऑफ वुंड्स, क्लोज वुंड्स एंड ओपन वुंड्स. क्लोज वुंड्स आर ऑफ थ्री टाइप, कॉन्ट्यूजन्स, एब्रेशंस एंड हीमेटोमा. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कॉन्ट्यूजन. कंट्यूजन में माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है विदाउट ब्रेकिंग स्किन, बट इट प्रोड्यूसेस डिसकलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड. एब्रेशन में एपिडर्मिस ऑफ स्किन स्क्रैप हो जाएगी, अंडरलाइंग डर्मिस एंड पेनफुल डर्मल नर्व एक्सपोज हो जाएंगे, नीड क्लीनिंग, एंटीबायोटिक, प्रॉपर ड्रेसिंग. दिस इज द पिक्चर ऑफ एब्रेशंस. हीमेटोमा इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड. दिस इज अ पिक्चर ऑफ हीमेटोमा. Now we will discuss four type of open wounds. First is incised, second lacerated, third perforating, fourth crushed or contused. This is a picture of incised wound. Incised wounds are caused by sharp objects like knife, blade, glass, etc. That is why they have sharp edges. This is a picture of lacerated wound. लेसरेटेड वुंड्स ब्लंट ऑब्जेक्ट से कॉज होते हैं, जैसे कोई कहीं गिर गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में. इनकी जैग्ड एजेस होती हैं, ज़्यादातर स्किन को ही इन्वॉल्व करते हैं, बट समटाइम्स सबक्यूटेनियस टिश्यू और डीपर स्ट्रक्चर को भी. दिस इज एन इमेज फॉर पेनिट्रेटिंग वुंड. पेनिट्रेटिंग वुंड्स लाइक स्टैब इंजरीज ऑफ एब्डोमेन, दे मे लुक इनोसेंट 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट माइट हैव डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स. This is a funny example of crushed injury. अभी मैंने जैसे पिछला फनी एग्जाम्पल दिया था आपको समझाने के लिए कि क्रश इंजरी कैसे होती है, ये कॉज होती है बाय ब्लंट ट्रॉमा से, जैसे कोई व्हीकल चला गया या दीवार गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, जिससे बॉडी या उसका कोई पार्ट क्रश्ड हो गया. ये काफ़ी सीरियस होती है, इसमें सीवियर हैमरेज हो सकता है, डेथ ऑफ टिश्यू, क्रशिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ये प्रोन होते हैं पेशेंट गैस, गैंग्रीन और टेटनस के लिए. अब बात कर लेते हैं हीलिंग की. हीलिंग दो तरीके से हो सकती है, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन. अगर क्लीन इनसाइज वाउंड है जैसे कि सर्जिकल इंसीशन में होता है तो प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग होती है, जिसमें क्लीन नीट थिन स्कार आता है. लेकिन अगर वुंड इन्फेक्टेड है जो कि पस डिस्चार्ज हो रहा है, वुंड विद स्किन लॉस, तो सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होती है, जिसमें कि अगली स्कार आता है. दीज आर द फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग. नाउ दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग. इन्फेक्शन हो सकता है जिसके से डिले हो हीलिंग में, अगली स्कार बन जाए, केलॉइड, इंसीजनल हर्निया, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या स्किन में अल्सर फॉर्मेशन, इस तरह के कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. ये मैं आपको समझाने के लिए केलॉइड का एक फोटो दे रही हूँ. जनरल और लोकल दो तरह के फैक्टर्स वुंड हीलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं. पहले हम जनरल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. जनरल फैक्टर्स में आते हैं जैसे एज, डेबिलिटेशन, डायबिटिक पेशेंट है, जॉन्डिस या यूरेमिक पेशेंट है, साइटोटॉक्सिक ड्रग ले रहे हैं या मेलिग्नेंसी है, जनरलाइज इन्फेक्शन है उनको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनिशियल स्टेज में अफेक्ट कर सकते. अब बात करते हैं लोकल फैक्टर्स की. लोकल फैक्टर्स में आते हैं पुअर ब्लड सप्लाई, लोकल इन्फेक्शन, हिमेटोमा, फॉल्टी टेक्निक, टेंशन वाइज सूचरिंग, ऑक्सीजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.